ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट क्लास 10th मैथमेटिक्स बुक। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से, क्योंकि बुक पे दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि इसको सॉल्व करें एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से। तो हमने इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करना है। तो बहाव तो कि एलिमिनेशन मेथड ज़रिए कितकन चाहिए इक्वेशन सॉल्व करें। तो उस हम जब उसे वो गड़ यम जो इक्वेशन यम दुश्वे इक्वेशन हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन मज की ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, हम नहीं कह सकते नहीं है, एक लीनियर इक्वेशन है लेकिन फ्रिक्शन फॉर्म है। तो इन दोनों इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद हम इसको एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आपने इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, दोनों को, इस इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सेकंड इक्वेशन को भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी ऑटोमेटिकली, मैं दिखाऊंगा आपको। देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 × x 3 2 × 2 4 डिवाइड 2 3 इस 2 को 3 से 6 इज इक्वल टू -1। अब इस इक्वेशन को 3 × x 3 -y 3 × 1 3 इज इक्वल टू 3, इसके नीचे 1। तो और इसकी मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, इसको हम और मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये बनेगा 3x + 4y इज इक्वल टू 6 × 1 को -6 बना, 6 × 1 इज इक्वल टू -6। अब इसको मल्टीप्लाई करो 3x - y इज इक्वल टू 3 × 3 = 9। इसको नाम रखो फर्स्ट, इस इक्वेशन को नाम रखो सेकंड। तो क्या देखा हमने, हमने इस इक्वेशन को कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद इस इक्वेशन को हमने, इन दोनों इक्वेशंस को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन में लाने के बाद अब हम इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड के जरिए से सॉल्व करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड की पहले स्टेप मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय यहाँ पर 1 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 4, यानी इस 4 से इस फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर जो b है या 1 है तो इस 1 से इस फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 से तो मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने आपके लिए लिखा कि ताकि आपको समझ आए, इस b से हम मल्टीप्लाई करते हैं अपोजिट इक्वेशन को। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई तो करो, तो हम पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वही इक्वेशन बनेगा 4y इज इक्वल टू -6 1 से जब मल्टीप्लाई करें। अब इस 4 से हम इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 12 - 4y 4 × 1 = 4y 4 × 9 = 36। इसको रखो नाम थर्ड इक्वेशन और इसको रखो नाम फोर्थ इक्वेशन। क्या देखा हमने, इस इक्वेशन को पहले हमने कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कन्वर्ट किया, हमने इसको बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के बाद फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद मल्टीप्लाई, इस लाइन को आपने याद रखना है कि क्या लिखना है कैसे लिखना है, इस बी से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद क्या है, इस स्टेप को मैंने बोला ये इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ये इससे पहले भी मैंने आपको सिखाया, इस वाले स्टेप को आपने बड़े अच्छी तरह से याद रखना है कि इस स्टेप में क्या करना होता है, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप क्यों है।
ये इम्पॉर्टेंट स्टेप इस वजह से है कि इसी स्टेप में आपने डिसाइड करना है कि क्या करना है, एडिंग करना है, सब्ट्रैक्टिंग करना है। जब आपका साइन इस मिडिल टर्म का अपोजिट हो तो आप इसको एडिंग लिखिए, एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर। जब आपका इसका साइन सेम होगा तब सब्ट्रैक्ट करना है। जब एड साइन अपोजिट तो एडिंग, साइन सेम तो सब्ट्रैक्टिंग। तो मैं इसको एडिंग करूँगा, ऐड करूँगा इन दो इक्वेशंस को। देखो ये क्या बनेगा, कैलकुलेशन हमारी क्या बनेगी। तो क्या किया मैंने, इन दो को ऐड किया। आप में से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा या जिन्होंने पढ़ा, वो देखते होंगे कि इसने साइन क्यों नहीं, यहाँ आपको अक्सर मतलब सिखाया जाता है कि लाइन डालिए फिर प्लस का साइन माइनस बनता है, माइनस का साइन प्लस बनता है। वो सभी इक्वेशंस में नहीं बनता है, वो उन्हीं इक्वेशंस में बनता है, उन्हीं इक्वेशंस में साइन सिग्नेचर चेंज करने होते हैं जिन इक्वेशंस का यहाँ पर जो साइन सेम है, जिन इक्वेशंस का हम सब्ट्रैक्टिंग करते हैं। तुमने इक्वेशन चेतन करा इस साइन चेंज, ये इस एडिंग इतन करो तल चिन्हित साइन करन चेंज के। ये स्टेप चाहिए आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप, इसको याद रखना है आपने, ध्यान से याद रखना। तो x इज इक्वल टू 30/15 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू 2 निकला। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x का वैल्यू जब 2 निकला तो इस x के वैल्यू को हम इस फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, तो यहाँ से हमने हमारा y का वैल्यू निकलेगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, लिखो इक्वेशन फर्स्ट क्या है। पहले हम इक्वेशन फर्स्ट लिखेंगे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। यहाँ पर जहाँ जहाँ भी x का वैल्यू 2 है उसको हम लिखेंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर 2 लिखेंगे हम। यहाँ पर x इसके बदले में ये 2, 4y इज इक्वल टू -6, तो ये बनेगा 6 प्लस 4y इज इक्वल टू -6। 4y इज इक्वल टू -6, ये भी बनेगा, इसको इधर लाएंगे -6। ये सिंपली कैलकुलेशन है, ये आपको आती होगी, अगर नहीं आती है तो इसको याद रखो कैसे करना है। ये बनेगा -12, तो यहाँ पर मैं करूँगा इसको y इज इक्वल टू -12/4 इस कट, ये बनेगा -3, तो y का वैल्यू निकला -3। क्या देखा हमने, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -3, ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन के ये जो दो इक्वेशंस थी, ये दो इक्वेशंस, इन दो इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन निकला हमारा x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। इन दो वैल्यूज को अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे तो इसका राइट वैल्यू जो कैलकुलेशन करने के बाद राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये था एलिमिनेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन, जिसको मैंने बड़े आसान तरीके से समझाया कि पहले स्टेप में क्या किया, उसके बाद ये इक्वेशन आए, इसके बाद ये मेन लाइन ऑफ इसको समझा, एडिंग करना है कि सब्ट्रैक्टिंग करना है, इसके बाद इसको ये कैलकुलेशन की, यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकला उसको पुट किया इक्वेशन फर्स्ट में, तो वहाँ पर यहाँ से इस कैलकुलेशन करने के बाद इसका दूसरा वैल्यू निकला वाई। तो इसमें क्या देखा हमने, ये एक्स और वाई जो दो वैल्यूज निकले, यही दो वैल्यूज इन दोनों इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, यानी दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसको बार बार देखोगे, 2-3 बार 4 बार देखने के बाद आप इसको जब 3-4 बार देखोगे कि मैंने कैसे किया इस एलिमिनेशन मेथड को, तो ये आपको कभी, आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ये आपको ज़बानी याद रहेगा, इतना आसान तरीके से मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया, बड़ी आसान तरीके से। आप इसको 2-3 बार देखिए, देखने के बाद आपकी तालीम में, स्टडी में, एग्ज़ाम में, पढ़ाई में बहुत हेल्प होगा।